भोजपुर पुलिस ने कुल 5 मामलों में 18 बालू माफिया समेत अन्य मामलों में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बालू मामले में 2 बड़ी नाव को भी जब्त किया गया है। वहीं अलग अलग कुल 5 मामले में 7 को गिरफ्तार किया गया, जहां कई आपत्तिजनक सामानों के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र से सबकी गिरफ्तारी हुई है। 1 ब्लैक स्कॉर्पियो, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल समेत 200 ग्राम हेरोइन समेत 12,000 कैश बरामद किया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान कुडेसर गाँव से इन नशीले पदार्थों को भी बरामद किया गया है। अनुमंडल का यहाँ पे भी पुलिस की तत्परता और क्विक एक्शन और अलर्ट मोड का ये परिचय दिए हैं थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी का जो टीम, और इसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक काला स्कॉर्पियो में 200 ग्राम मादक पदार्थ जो कि हीरोइन सस्पेक्टेड है वो पकड़ाया है। साथ में मोबाइल भी जब्त की गई है, जिसका फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस किया जाएगा ताकि इनका फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस को हम पता करें और बरामदगी करें। सर, जो हीरोइन पकड़ा है उसका मार्केट में रेट कितना है? इसका रेट जो है वो इसकी प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और प्योरिटी जो है वो फॉरेंसिक लैब ही सत्यापन दे सकता है। लेकिन एनीवेज जैसा कि ये लाखों में इनकी कीमत होती है, इतना बड़ा क्वांटिटी है, लाखों में कीमत होती है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्रग्स की जो लड़ाई है वो आपके अकेले पुलिस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पूरी समाज की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो समाज के लड़के हैं, नए लड़के हैं, पढ़ने लिखे वाले लड़के हैं, वो इसके चंगुल में आके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आप देखें कितने दिनों से कहीं कहीं ओवरडोज से मृत्यु हो जा रही है जी, तो एक समाज को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्रग्स के खिलाफ या ऐसे लड़के जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमें तुरंत सूचना दें, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, खासकर हीरोइन सर।